तो अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बता दें कि किसान वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सुप्रिया पांडे भी जुड़ गए हैं। सुप्रिया, आपके पास आऊंगी, इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो सीधी आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रिया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है और किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हम जी बिल्कुल की कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काफी प्रदर्शन जारी है। जैसे हम लोग वहाँ पर सीपीएम पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रैक्टर और बैंक और यहाँ पर किसानों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे इनसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले किसानों को जो समर्थन है वो दे दिया है, तो हम सीधे विकास उपाध्याय से जा रहे हैं। सर, अपने पहले सुबह से ही आप प्रदर्शन पर निकले थे, किस तरह से यहाँ पर अपील करते हुए? देखिए, जिस प्रकार से किसान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है, ये पूरा देश से छुपा नहीं है। 50,000 से भी ज्यादा किसान आज सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अपने परिवार के साथ जिनको खेतों में काम करना चाहिए, आज रोड सड़क पर क्यों बैठे हैं? हिटलरशाही कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसके विरोध में पूरा देश आज बंद है। उनके समर्थन में, उनके हक और अधिकार में पूरा देश बंद रखा गया है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार किसान विरोधी है। मैं सोनिया गांधी जी को, भूपेश बघेल जी को, राहुल गांधी जी को, मोहन मरकाम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बंद का समर्थन किया और आज शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदेश और पूरा देश बंद है। आपने सुबह 6 बजे से व्यापारियों से अपील भी की है कि अपने दुकानों को बंद करें, तो किस तरीके से आपने सुबह का नजारा देखा? देखिए, सवेरे से ही हम लोग बंद कराने को लेकर हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, और जो उत्साह जनता में है, जो इमरजेंसी सेवा पेट्रोल पंप है, मेडिकल स्टोर है, स्वयं लोगों ने अपने आप भी बंद किया। पेट्रोल पंप मालिक अपने आप पेट्रोल पंप को बंद कर रहे हैं और जनता खुद निकल कर आ रही, क्योंकि अन्नदाता से जुड़ा हर आदमी है। अन्नदाता को अगर नुकसान होगा, उसका उसकी हानि होगी, तो उसकी उसकी हानि आखिरी आदमी तक होने वाली है। इसलिए एक एक आदमी आज सड़क पर खड़ा है। यहाँ पर शहर के लोग जो है, शहर के व्यापारी अपने दुकानों को बंद कर रहे हैं, महापौर क्या कह रहे हैं? ट्रैक्टर पर बैठे देखिए, लोग स्वस्फूर्त बंद कर रहे हैं, और हमारा देश का जो किसान है वो अन्नदाता है। अगर हमारा, अगर आज पूरा देश 70% आज कृषि प्रधान देश है, आज किसानों के ऊपर आपत्ति आई है। हम लोग पूरा, जितने कांग्रेस की जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं, आज किसानों के साथ में खड़े हैं। जिस तरीके से देश में काला कानून लाया गया है, जिस तरीके से एक वर्ग को, दो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये काला कानून लाया गया है, हम लोग पूरा जोर इसका विरोध करते हैं। और जब तक के ये काला कानून वापस नहीं ले जाता, हम लोग इसका विरोध जारी, और यही नहीं, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आप केंद्र की मोदी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, ट्रैक्टर रैली तो एक औपचारिक वो है, हम लोगों का एक औपचारिक प्रदर्शन है, ये बताने के लिए कि हम भी किसान के साथ उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। पूरे प्रदर्शन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया जा रहा है, पर तस्वीरों में जिस तरह की आवाजें हम सुन रहे हैं उसको देखकर कहीं लगता नहीं है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जयस्तंभ चौक है राजधानी का, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही। कांग्रेस को बैग एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हम आपको दूसरी पार्टी की ओर भी ले जाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है सीपीआई पार्टी के द्वारा भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रही है, वहीं दूसरी पार्टी यहाँ पर सीपीआई जो पार्टी है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। सीपीआईएम पार्टी का नाम है यहाँ पर, और ये लोग भी किसानों के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बंद का जो आह्वान है वो यहाँ पर इन्होंने किया है, और इसके साथ ही हम इन लोगों से भी संपर्क करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोग मांग रहे हैं। तो आप आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है? जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है, और हम इस अभूतपूर्व बंद के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को भी असंख्य लाल सलाम और धन्यवाद देना चाहते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्पष्ट मत है, आज के इस आंदोलन से मोदी सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं कि वो 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, आज 130 करोड़ भारत की जनता ने ये ऐलान किया कि ये लड़ाई केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की नहीं, इस मुल्क के हर मजदूर किसानों की है, और ये भारत बंद उसी का ऐलान है। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो नारे भी लगा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे थोड़ा अलग टाइप से ये लोग जो नारा है वो लगा रहे हैं। आप कभी कुछ गा रहे हैं, क्या गा रहे थे पीएम मोदी के लिए, कुछ गा रहे थे? हम मोदी सरकार की जो दलाल
दलाल परस्त नीतियां हैं उसके खिलाफ किसानों की दुर्दशा के लिए, खेतों के हित में, फसलों के हित में उनको फसल का सही दाम दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा भारत बंद करा करके हम सब सड़कों पर आ गए। आपने अभी कुछ गाया है पीएम मोदी के लिए तो वो सुना दीजिए। हाँ, मोदी के लिए नहीं, मोदी के और उसके साथ ही दलालों के लिए। जामकारों मिलके ये शोषण का पहिया, जामकारों मिलके ये शोषण का पहिया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जामकारों के ये शोषण का पहिया, जामकारों मिलके ये शोषण का पहिया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, तेरी ही कमाई से चले ये कारखाने, तेरी ही कमाई से चले ये कारखाने, तुझको ही मिलते न पेट भर दाने, तुझको ही मिलते न पेट भर दाने, गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया, गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया, तो जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जामकारों मिलके ये शोषण का पहिया, ये दो के जैसा तेरे नियम का रवैया, मोदी से लड़ने को एक हो जा भैया, मोदी से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, मोदी से लड़ने को एक हो जा भैया, मोदी से लड़ने को एक हो जा भैया, जामकारों मिलो अपने दिलों में सदा उनके ही गीत, अपने दिलों में सदा उनके ही गीत, अपने दिलों में सदा उनके ही गीत, अपने दिलों में सदा उनके ही गीत। तो आपने भी देखा वाकई सुप्रिया नारों से और गाना गा के ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। यहाँ हमने देखा कि कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, पर बात अगर सुप्रिया किसानों की जाए तो किसान कितनी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। किसानों की बात की जाए तो किसान अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसान कुछ देर में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर जयस्तंभ चौक का नजारा आपने देखा है कि तमाम विपक्ष पार्टियां यहाँ पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि उन्होंने कविता में बताया कि हम विपक्ष पार्टियां जो है वो तमाम पीएम मोदी के लिए एक हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो विरोध है वो ये है कि केंद्र की जो तीन नए कृषि कानून है उस पर लगातार विरोध यहाँ पर हो रहा है, और इनका कहना है कि यदि हमें किसी और पार्टी के साथ उसका समर्थन करना पड़े इस विरोध में तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने नजारा देखा, अभी कुछ देर पहले ही विधायक विकास उपाध्याय वहाँ पर जल जेवर और इसके साथ ही यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्रैक्टर पर सवार थे, उन्होंने रैली निकाली, क्योंकि किसान जो है ट्रैक्टर के माध्यम से उनका जो खेती है वो करता है किसान, तो इस माध्यम से भी वो विरोध कर रहे थे कि किसानों का जो हित है वो यहाँ पर हो। और छत्तीसगढ़ में अगर विरोध की बात करूँ तो प्रदेश में जो है धान खरीदी की प्रक्रिया भी चल रही है, उसके साथ ही धान खरीदी को लेकर के किसान अभी धान खरीदी से व्यस्त है, तो इस वजह से अभी जो है विरोध किसानों का देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ किसान संगठन है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वाकई में सुप्रिया, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस नेता कह रहे थे कि दुकानों को बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोगों ने खुद ब खुद दुकानें बंद कर रखी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, वो तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह का वहाँ का नजारा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आज हम आपको मार्केट का नजारा भी दिखाना चाहेंगे। ये राजधानी रायपुर के बाजार का नजारा आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी नेता ने या किसी विधायक ने अपील की हो और दुकानदार स्वेच्छा से ही दुकान बंद कर रहे। किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो विधायक विकास उपाध्याय हैं वो सुबह 6:30 बजे से राजधानी रायपुर की सड़कों पर निकले थे और दुकान जो संचालक है उनसे ये अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि अपनी दुकानों को बंद कीजिए, तो दुकानदार खुद ही स्वेच्छा से ही बंद कर रहे, क्योंकि काफी दुकानदारों को ये पता भी नहीं था कि आज भारत बंद का समर्थन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों जैसे लोग हैं जो इस मामले से अनभिज्ञ थे, उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राजधानी रायपुर के जयस्तंभ के दुकानों का नजारा, जहाँ पर सारी दुकानें यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं, पर लोकल ट्रांसपोर्ट क्या वहाँ पर चालू है? क्योंकि मैंने अभी देखा कि आप तस्वीरों में आपके पीछे से एक बस गुजर रही है, तो क्या लोकल ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है? लोकल
यहाँ पर कहा गया था कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो संचालित होंगी, तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें कुछ जरूरी सेवाएं होंगी, उसकी वजह से उसका जो आवागमन है वो हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें भी खाली नजर आ रही थी और यहाँ पर विरोध लगातार नजर आ रहा था। यहाँ पर सुबह से ही अपील की जा रही है लोगों से कि अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करें, जो है अपने घर पर रहे, बाहर न निकले, क्योंकि भारत बंद का समर्थन छत्तीसगढ़ सरकार भी करती आ रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नजारा आप देख सकते हैं कि जय स्तंभ चौक है यह राजधानी रायपुर का, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। एक तरफ तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध हो रहा है। तो तमाम जो पार्टी के नेता है वही विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों में जो आवश्यक सेवाएं, जो आवश्यक काम के लिए जो उसका आवागमन होता है, सिर्फ वही सेवाएं ही यहाँ पर जो है वो आवागमन उनका जारी है। और इसके साथ ही राजधानी मध्य प्रदेश में जैसा देखा गया है कि नाकाबंदी काफी ज्यादा वहाँ देखी जा रही है, जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उनको भी वहां पर भी तैनाती कर दी गई है, और एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी रोक लगा दी गई है। तो इस तरह की कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति तो छत्तीसगढ़ में नहीं देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही यहाँ पर किसानों का समर्थन किया है। तो यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों से प्रवेश पर किसी भी तरह की नाकेबंदी नहीं की गई है, हालांकि धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। इस वजह से जिलावर्ती जो सीमाएं हैं उस पर नाकेबंदी की गई है, ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर अवैध धान की खपाए जाने की जो सूचना है, अगर वो किसी को मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करे, लेकिन इस तरह की सूचना भी नहीं आई है। और आप देख सकते हैं कि जय स्तंभ चौक में तमाम पुलिस बल भी मौजूद है, ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर जो हुड़दंग है वो ना मचे। और यहाँ पर तमाम विरोध हुआ है वो भी जारी है, और इसके साथ ही पुलिस बल जो है उसकी भी तैनाती काफी मात्रा में की गई है। यहाँ पर आवागमन जारी है, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम मार्केट, यहाँ पर तमाम दुकानें, एक भी दुकान आपको खुला हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम व्यापारी है वो भी यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी की सड़कों पर पुलिस बल भी मौजूद है, जो अगर कोई किसी तरह की हुड़दंग मचता है या किसी भी तरह की भगदड़ मचती है तो उसको पुलिस बल के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। जी वाकई में सुप्रिया, जिस तरह के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद समर्थन में उतर आए हैं, तो काफी ज्यादा असर यहाँ पर देखा जा सकता है। और उसी तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि काफी ज्यादा भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुप्रिया बहुत शुक्रिया आपका, और अब नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।